जैनेन्द्र, ये मानना होगा कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का जोश हाई है, वही आम आदमी पार्टी से पंजाब की जनता की उम्मीदें भी हाई हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक एक वादा पंजाबियों को याद है जो आम आदमी पार्टी ने किया है अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अपने मैनिफेस्टो में। और अब भगवंत मान पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ये वादे बहुत बड़े हैं जैनेन्द्र, और इनके लिए क्या एक लंबी अपने लिए अवधि मांगेगी आम आदमी पार्टी, या जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करना होगा? देखिए, जितनी उम्मीदें हैं, डिलीवरी का बहुत प्रेशर भगवंत मान पर होगा। जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली, ये एक आदेश भर से हो सकता है। इसका ऐलान जो है, चूंकि अरविंद केजरीवाल के कामकाज को मैंने शुरू में कवर किया है, तो शपथ के बिल्कुल अगले ही दिन उन्होंने बिजली और पानी पर फैसला कर दिया था, जो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ आने वाले चुनाव में भी। और वो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है कि बिजली पानी पर बड़ा अच्छा काम किया दिल्ली में, तो वो शायद पंजाब में भी दोहराने की कोशिश करे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा है, शायद उस पर अमल बहुत जल्द हो। और इसके अलावा हम बात करें कि रोजगार को लेकर के, हमने चुनाव के दौरान देखा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब के लोगों का। रोजगार पर बड़े वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, तो उस पर काम करने में जरूर समय लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिजली आदि की जो बात है, और महिलाओं को 1000 रुपए देने जैसे वादे हैं, ये वो आते ही इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। नजर इसी बात पर है कि कैसे भगवंत मान ये सब कुछ कर जैनेन्द्र, तो वो किन अहम फैसलों को सुनाएंगे पंजाब के जनता को? जैनेन्द्र, आप बने रहिए मेरे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।